34 गेंदे 47 रन की आवश्यकता यहाँ पर। इस बार जिस दिशा में खेलना चाहता था उसी दिशा में गेंद गई है, टाइमिंग थोड़ा अर्ली जरूर हुआ है लेकिन 4 रन ले जाएगा यहाँ पर। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों तो सीपीएल 2020 का जो है 7th मुकाबला जमैका वर्सेस गयाना अमेजोन वॉरियर्स के बीच में, और ये रहा दोस्तों प्लेइंग 11 दोनों ही टीम्स का। लाजवाब टीम है दोस्तों दोनों, और आज की जो है पिच कंडीशन और वेदर कंडीशन कैसी रहेगी ये आप लोगों के सामने। तो चलिए, टॉस काफी क्रूशियल रोल प्ले करेगा यहाँ पे, तो देखते हैं टॉस कौन जीतेगा। और बहुत ही बढ़िया जा रहा है सीपीएल 2020 अब तक के, मजा आने वाला है यहाँ पर। गयाना अमेजोन वॉरियर्स ने यहाँ पे टेल्स का कॉल किया है। टॉस अगर मैं जीतता हूँ ना तो चेस के लिए जाऊँगा। ओके, तो अमेजोन वॉरियर्स ने यहाँ पे टॉस जीता है। किस चीज़ की तरफ जाना चाहोगे आप लोग, देखना दिलचस्प होगा। बल्लेबाजी लिया इन्होंने, बहुत बढ़िया, हमको भी चेस ही करना था। ये आ चुकी प्लेइंग 11 हमारी, बहुत ही तगड़ी टीम है दोस्तों ये। थॉमस से शुरुआत कर रहे हैं यहाँ पे गेंदबाजी की हम लोग, बहुत बढ़िया खेले यहाँ पर डॉट बॉल। शुरुआती ओवर्स में विकेट की जरूरत यहाँ पर हमको, और सीधे बल्ले से बड़ा खड़ा शॉट यहाँ पर, सिंगल के साथ जो है खाता खोला अपनी टीम का भी और अपना भी। हेमराज करेगा अब यहाँ से सामना थॉमस का, बहुत ही खराब गेंद, दिशाहीन गेंदबाजी और नतीजा 4 रन। लास्ट बोली ओवर की, देखते फिर से खराब गेंद, लाइन खराब डाल रहे हैं यहाँ पर गेंदबाज, और 4 रन के साथ ओवर की समाप्ति। ओके, तो 16 ओवर का यहाँ पर गेम प्ले ऑटो प्ले हो चुका है। 116 रन 6 विकेट के नुकसान पे गया ना अमेजोन वॉरियर्स, और फिलहाल जो बल्लेबाजी कर रहे हैं उनका नाम है यहाँ पर केमी पॉल, और पूरन जो है बल्लेबाजी कर रहे हैं। तो पूरन जो के सेट हो चुके हैं, बढ़िया खेल रहे हैं यहाँ पर, और गेंदबाजी आप लोगों के सामने जमैका की आप लोग देख सकते हो किस प्रकार से जो है गेंदबाजी के 6 विकेट ले चुके हैं। बहुत ही बढ़िया कंडीशन में यहाँ पे हमारी टीम जमैका, और देखते पहला गेंद किस प्रकार से खेलेंगे यहाँ पे पॉल। बहुत बढ़िया यहाँ पर गेंद अच्छी डाली हमने यहाँ पर, लेकिन क्या ही शॉट खेला है, बहुत ही खूबसूरत टाइमिंग, 4 रन ले गए। थोड़ा फील्डिंग में चेंजेस किए यहाँ पर, मैं सीधे बल्ले से खेला है, पीछे फील्डर रखा है बाउंड्री लाइन पर, दौड़कर आ जरूर रहे फील्डर लेकिन 2 रन से नहीं रोक पाए। दो बढ़िया गेंदे खेली अब तक के यहाँ पर पॉल ने, बहुत ही आला टाइमिंग, फील्डर पहुंच रहे हैं, 1 बाउंस के साथ 4 रन मिलेगा। ब्रैथवेट को लगाया दूसरे छोर से, बहुत बढ़िया गेंद और विकेट, जे बिल्कुल क्या शुरुआत हुई है इस ओवर की। चलिए, बहुत ही अच्छी शुरुआत हुई इस ओवर की, फिर से बढ़िया गेंद, अपील करूंगा पैट पे लगी ये गेंद, अंपायर के इंटरेस्टेड है यहाँ पे, मना किया। बड़े शॉट की जरूरत है यहाँ पे गयाना अमेज़न वॉरियर्स को, फिर एक अच्छी गेंद, पैट पर गेंद लग रही है यहाँ पर बार बार, और दूसरा रन ले गए क्या, नहीं लिया। 135 रन 7 विकेट के नुकसान पे आखिरी गेंद इस ओवर की, बहुत ही बढ़िया शॉट, प्लेसमेंट कहीं यहाँ पे सारा कमाल था, 4 रन ले गए। पावेल कंटिन्यू कर रहे हैं यहाँ पे अपना अंतिम ओवर, सीधा बल्ले से खेला, बढ़िया फील्डिंग, ऐसा लग रहा है थोड़ा जो यहाँ पे अच्छे स्कोर की जरूरत गयाना अमेज़न वॉरियर्स को। लाजवाब टाइमिंग वहां पर, और किसी फील्डर के पास मौका नहीं गेंद रोकने को, 4 रन। अंतिम गेंद इस ओवर की, देखते दिलचस्प क्या होगा यहाँ पर, एज लगा है, ओ कैरी नहीं हुआ कीपर तक। लास्ट ओवर इस इनिंग का, ब्रैथवेट यहाँ से गेंदबाजी करेंगे, खराब लाइन से गेंद करी यहाँ पर, फील्डर को दौड़ना पड़ रहा है, और लेकिन 2 रन आसानी से ले जाएंगे यहाँ पे बल्लेबाज, मजा आने वाला इस ओवर में। फिर से अच्छी गेंद डाली यहाँ पर फील्डर के पास, हाँ गेंद काफी करीब लेकिन पहुंच नहीं पाए, फील्डर चौका ले गए। अंतिम गेंद इस ओवर की, और इस इनिंग के भी बहुत बढ़िया गेंद, अपील किया वो पैट पर लगा था गेंद, देखते क्या होगा यहाँ पर, अंपायर इंटरेस्टेड है या नहीं, मना किया। इसी के साथ इनिंग की समाप्ति हुई है। तो गयाना अमेज़न वॉरियर्स का स्कोर आप लोगों के सामने, 20 ओवर के बाद 155 रन 7 विकेट के नुकसान पर, और गेंदबाजी भी देख लीजिए आप लोग के किस तरीके से जमैका वालों ने जो यहाँ पर गेंदबाजी की है, मेरे हिसाब से जमैका वाले यहाँ पर खुश हो गए जिस प्रकार से जो खेला है, और चेसेबल टारगेट है जिस हिसाब से जो बल्लेबाजी इनके पास में, ये 2 सलामी बल्लेबाज आ चुके हैं जमैका के, बहुत ही मजा आने वाला नवीन लुढ़क के पास से गेंदबाजी। तो चलिए, पहला गेंद खेलेंगे यहाँ पर हम लोग,
दिलचस्प होगा यहाँ पर। बहुत बढ़िया बढ़िया शॉट, बहुत ही खूबसूरत, और चौका ले गए चार रन। विकेट नहीं गंवाना यहाँ पर जमैका को, और बहुत ही खराब गेंद, कीपर के पास भी मौका नहीं मिला इस गेंद को रोकने के लिए। वाइट के साथ चौका मिला यहाँ पर हमको, बहुत ही बढ़िया गेंद डाली थी पिछली, एज लगाए, ओ विकेट जी बिल्कुल, आवाज आई थी वहां पे एज की और विकेट भी मिला यहाँ पर। शुरुआत अच्छी हो गई यहाँ पर ग्रैंड अमेज़न वॉरियर्स की। ओके तो 10 ओवर का जो यहाँ पर ऑटो प्ले किया मैं, तो 11 ओवर हो चुके हैं यहाँ पर, तो 91 रन 2 विकेट के नुकसान पे जमैका का स्कोर है दोस्तों यहाँ पर। और पॉवेल और फिलिप जो यहाँ से बल्लेबाजी कर रहे हैं, दोनों कमाल की बल्लेबाजी कर रहे हैं। गेंदबाजी आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे किस प्रकार से जो है ग्रैंड अमेज़न वॉरियर्स ने गेंदबाजी की है। तो अंतिम 9 ओवर का खेल आप लोगों के सामने आने वाला दोस्तों, मजा आएगा। 54 गेंदों में 65 रन की जरूरत है यहाँ पे टीम को, बड़ा इंटरेस्टिंग मुकाबला होगा भी है। बढ़िया गेंद, बहुत ही बढ़िया शुरुआत, वो बोल्ड कर दिया यहाँ पे हमको भाई, क्या गेंदबाजी की है, लाजवाब गेंद, फिर से अच्छा टाइमिंग, लेकिन इस बार थोड़ा लेट खेला हम लोग इस शॉट को, सिंगल के साथ हुई यहाँ पे ओवर की समाप्ति। नवीन लोग कंटिन्यू कर रहे हैं यहाँ पे अपनी गेंदबाजी को, देखते हैं यहाँ पे क्या बेहतर होगा, सिंगल मिला। अंतिम गेंद इस ओवर की, बैकफुट से कमाल का पंच, सिंगल के साथ ओवर की समाप्ति। अब चाहिए 58 रन अंतिम 7 ओवर में। पॉल अपना लास्ट ओवर लेकर आ रहे हैं यहाँ पे, सीधे बल्ले से खेला, मना किया रन लेने के लिए, ओवर थ्रो हुआ है यहाँ पर, और क्या ये चौका है जी बिल्कुल, 4 रन मिले हमको यहाँ पर, 39 गेंदे 52 रन की आवश्यकता यहाँ पर। बहुत ही बढ़िया टाइमिंग, और क्या ये रन आउट होगा, बार बार बचे, दूसरे रन के लिए जाओगा, ओवर थ्रो हुआ यहाँ पे। अंतिम गेंद इस ओवर की, बैक फुट से कमाल का शॉट, सिंगल ही मिल पा रहा है हमको यहाँ पर, ताहिर को लगाया गेंदबाजी में, कमाल का टाइमिंग, सिंगल के साथ इस ओवर की शुरुआत हुई है। 34 गेंदे 47 रन की आवश्यकता यहाँ पर। इस बार जिस दिशा में खेलना चाहता था उसी दिशा में गेंद गई है, टाइमिंग थोड़ा अर्ली जरूर हुआ है, लेकिन 4 रन ले जाएगा यहाँ पर। अंतिम गेंद इस ओवर की, फिर से कोशिश करूंगा उसी दिशा में शॉट खेलने के लिए जी बिल्कुल, कैच की मांग है लेकिन फील्डर मौजूद ही नहीं है वहां पर, तो ले जाएंगे चौका 4 रन। 30 गेंदे 36 रन की जरूरत है। बहुत ही बढ़िया शुरुआत इस ओवर की, लगातार लाजवाब गेंदबाजी करते हुए यहां पे, लेकिन इस बार मिलेगा चौका 4 रन। 25 गेंदे 30 रन की जरूरत, और अच्छा शॉट, अर्ली टाइमिंग हुआ है, सिंगल के साथ ओवर की समाप्ति। 23 गेंदे बची इस मुकाबले में, बढ़िया टाइमिंग, सिंगल मिला है यहां पर बल्लेबाज को। 21 गेंदे 26 रन की जरूरत है। ओ, बहुत ही बढ़िया गेंद, अंतिम गेंद इस ओवर की, देखते क्या बेहतर होगा यहां पर जी बिल्कुल, अच्छा शॉट, सिंगल मिला है। 18 गेंदे 25 रन की जरूरत यहां पे, सामने की तरफ बढ़िया शॉट, और गेंद जा रही है शायद 6 रन रोक ले, देखना दिलचस्प होगा जी बिल्कुल, 6 रन, बहुत ही बढ़िया शॉट, वाइड गेंद है और शायद बाउंड्री के लिए भी जाएगा, तो 5 रन एक्स्ट्रा मिले यहां पर हमको। काफी खराब गेंदबाजी इस सिचुएशन में, इस बार अच्छा शॉट खेला है, 2 रन के साथ जाओगा यहां पर जी बिल्कुल, 2 रन पूरे किए। 12 गेंदों में 10 रन की जरूरत है यहां पर, बहुत ही कमाल का शॉट, लेकिन इस बार शायद ये कैच हो सकता है, और ड्रॉप कर दिया, अरे अरे अरे, ये सिचुएशन में क्या ड्रॉप करना गलत है मेरे भाई। चलिए देखते हैं उस दिशा में शॉट खेल पाता होगा जी बिल्कुल, खेल पाया हो, क्या ये बाउंड्री लाइन की तरफ जाएगा, मुझे नहीं लगता ये बाउंड्री की तरफ जाएगा। 2 रन ले गए हम लोग, लास्ट बॉल इस ओवर की, सिंगल लिया हूं यहां पर मैं, और दूसरा रन भी ले जा सकता हूं यहां पे, तो जी बिल्कुल 2 रन ले जाएंगे। तो लास्ट ओवर में चाहिए 6 गेंदों में 2 रन, ग्रीन आया यहां पे गेंदबाजी लेके,
छह गेंदे, दो रन की आवश्यकता है। बहुत बढ़िया गेंद अपील की यहाँ पर गेंदबाज ने, अंपायर शायद इंटरेस्टेड नहीं है यहाँ पे, जी बिल्कुल मना किया। पांच गेंदे, दो रन चाहिए। जय बिल्कुल, अच्छा शॉट और दो रन ले जाएंगे यहां पर हम लोग। और इस दो रन के साथ जीत प्राप्त हो चुकी है यहां पे जमैका को। बहुत ही बढ़िया खेला है, क्या गजब की बल्लेबाजी की यहां पे जमैका ने, और 7 विकेट से इस मुकाबले को जीत चुका है। तो ये रहा दोस्तों जमैका का जो है स्कोर कार्ड आप लोगों के सामने। बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी की वहां पे आसिफ ने और पावेल ने, और टीम को बहुत अच्छी सिचुएशन से जो है इस मुकाबले को जिताया। गैना एमेजन वॉरियर्स के जो है गेंदबाज थोड़े निराश किए आज जो है टीम को, क्योंकि इस प्रकार की गेंदबाजी नहीं कर पाए और आसानी से जो है जीत प्राप्त की यहाँ पे जमैका ने इस मुकाबले के अंदर 7 विकेट और 4 गेंदे रख के। तो दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना। चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए गुड बाय।